शिवपुरी में लगातार हो रही सुअरों की मौत के कारण का खुलासा हो गया है। शिवपुरी में स्वाइन फ्लू के कारण सुअरों की मौत हो रही है। जैसे इस मामले की जानकारी सामने आई, पालकों सहित लोगों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका सीएमओ केशव सिंह सागर के संज्ञान में जब मामला आया तो उन्होंने तत्काल पशु विभाग के उपसंचालक डॉक्टर तमोरी से बातचीत की। डॉक्टर तमोरी ने दो सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल भेजे थे, जिसके बाद अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गौरतलब है कि पिछले 15 दिन से शिवपुरी में प्रतिदिन करीब 20 सुअर मर रहे थे। नगर पालिका की कचरा गाड़ी जब ट्रैचिंग ग्राउंड बड़ोदी में सुअरों के शवों को फेंक रही थी तो आसपास के लोगों ने आपत्ति जताई। इसके बाद सीएमओ केशव सिंह सागर ने दो सैंपल पशु विभाग की तरफ से भोपाल भेजे थे, जिसके बाद सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर तमोरी ने बताया कि इंसानों को इससे कोई भी खतरा नहीं है, ये बीमारी केवल सुअरों में रहती है, सुअरों में बढ़ती है। उन्होंने बताया कि संभवतः एमपी में किसी व्यक्ति के द्वारा अफ्रीकन सुअर या उसका फ्लैश लाया गया होगा, जिससे ये बीमारी फैली है। इस कारण संभवतः ये बीमारी सुअरों में फैली है। हालांकि इस बीमारी का इंसान से कोई खतरा नहीं है, ये बीमारी केवल सुअरों में फैलती है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि एकाएक सुअरों की मौत क्यों हो रही है। डॉक्टर तमोरी ने बताया कि सुअरों को बेहोश कर उनके दिल में इंजेक्शन लगाकर उन्हें मारा जाएगा। सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये बीमारी है और ये सुअरों में ही रहती है। ये बीमारी से कुछ डेथ हुई है, हमारे यहाँ दो की रिपोर्टिंग हुई थी, जो दोनों के पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किए थे, जिसके जो सैंपल भोपाल में हाई सिक्योरिटी लैब में भेजे थे, जो पॉजिटिव आए हुए। और स्वाइन फीवर और अफ्रीकन स्वाइन फीवर दोनों में अंतर है। स्वाइन फीवर में इलाज भी है उसका, वैक्सीनेशन भी है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो है वैक्सीन नहीं, तो दोनों चीजें अलग हैं। मनुष्यों में भी इनका कोई नहीं, नहीं ये जूनोटिक नहीं है, ये जो है सिर्फ सुअरों में फैलती है, ये जूनोटिक नहीं है। लगभग सर अभी आंकड़े लगभग कितने होंगे सर पॉजिटिव? देखिए हमारे पास अभी तक जो है 4 की रिपोर्टिंग हुई थी, तो 2 के हमने सैंपल भेजे थे, और उसके बाद कोई ऐसी नगर पालिका से हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है कि डेली कोई सुअर मर रहे हैं। सर ये जो आया है, जो बीमारी आई सर, आई कहाँ से, कैसे हम इसको? ये बीमारी मैं बता दूं आपको, अभी जो है सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश में रीवा में, दमोह, सागर, उसके बाद जबलपुर, और इसका मेन पर्पज यही है, या तो कोई सुगर लेके आए होंगे या कोई फीड लेके आए होंगे, जो आहार है सुगर का जो, उससे भी हो सकती है कोई कंटेमिनेटेड आहार आया होगा जो है, कोई लेके आया होगा, जैसे जो इसका फैलने का मेन कारण है। सर इस पर नियंत्रण के लिए किस प्रकार के क्या? इसका कोई उपचार नहीं। जहाँ ये बीमारी जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ जाती है, तो ये क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि 1 किलोमीटर परिधि में जितने भी सुगर होंगे उनको जो है कलिंग किया जाएगा, ठीक। और कलिंग के बाद में जो है मालिक को जो है जो निर्धारित मुआवजा है उसका, तो उसको जो है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।